हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, आज की ये वीडियो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की है। एक्सेल में क्या है आइए समझते हैं। छोटे छोटे फॉर्मूले भी कभी हमारे लिए काफी ज्यादा यूजफुल हो सकते हैं। तो एक एंड का फॉर्मूला है, आइए एक बार देखते हैं कैसे यूज करेंगे एंड फॉर्मूले को। इज इक्वल टू का निशान लगाया, क्योंकि बिना इज इक्वल टू को तो एक्सेल में कोई भी फॉर्मूला स्टार्ट नहीं होता है। हम इज इक्वल टू लगा करके फॉर्मूला स्टार्ट करेंगे और उस सेल को सेलेक्ट करेंगे जिसके लिए हमें क्राइटेरिया पता करनी है। तो ये सेल हमने सेलेक्ट कर दिया, यानी ए टू में रखी हुई वैल्यू क्या बड़ी है, ए टू में रखी हुई वैल्यू क्या बड़ी है 50 से, ये हमको पता करना है। अब इस ब्रैकेट को करेंगे क्लोज और हेड करेंगे एंटर, तो यहां पर आएगा फॉल्स। क्यों फॉल्स आ रहा है, क्योंकि यहां पर रखी हुई वैल्यू यानी 36 रखा हुआ है और 36 50 से बड़ा नहीं है। ठीक है, अब यहां पर इसको ड्रैग करवा लेता हूं नीचे की तरफ, तो आप देखेंगे कि ज्यादातर जगहों पर फॉल्स ही आया हुआ है। यहां पर ट्रू क्यों आया हुआ है, ट्रू इसलिए आया हुआ है क्योंकि यहां पर जो वैल्यू है वो 78 है, और 78 क्या है, 78 जो है आपका 50 से बड़ा है, इसीलिए यहां पे ट्रू इवैल्यूएट हुआ है। और यहां पर फॉर्मूले के अनुसार बाकी सब जगहों पर देखिए 35 है, 1 है, 11 है, तो यहां पे फॉल्स आया हुआ है। तो इस तरीके से एंड का फॉर्मूला इस तरीके से भी आप यूज कर सकते हैं। आई होप कि बात समझ में आई होगी। वीडियो अच्छी लगे तो शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।